उत्तर प्रदेश के संगठन महामंत्री से भी लोकसभा चुनाव में हार की रिपोर्ट लेगा बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व में जानकारी सामने आई। प्रदेश अध्यक्ष की रिपोर्ट देने के बाद अब संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह भी अपनी रिपोर्ट केंद्रीय नेतृत्व को सौंपेंगे और बहुत जल्द पार्टी के पदाधिकारी संगठन के महामंत्री धर्मपाल सिंह को केंद्रीय नेतृत्व दिल्ली बुलाएगा। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष की रिपोर्ट और संगठन महामंत्री की रिपोर्ट को कंपाइल किया जाएगा और उसको कंपाइलेशन करने के बाद हार के कारणों को समझेगा केंद्रीय नेतृत्व। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को बीजेपी मुख्यालय में कर्मचारियों को संबोधित किया। केंद्र में सरकार बनाने के बाद पार्टी के केंद्रीय कार्यालय के कर्मचारियों के साथ पीएम मोदी की ये पहली मुलाकात है। गुरुवार को बीजेपी मुख्यालय पर कर्मचारियों के साथ स्नेह मिलन संवाद किया गया। कार्यक्रम के मंच पर भी जेपी नड्डा ने पीएम मोदी का स्वागत और अभिनंदन किया। इस दौरान मंच पर पार्टी के राष्ट्रीय संगठन महासचिव बीएल संतोष और राष्ट्रीय महासचिव और मुख्यालय प्रभारी अरुण सिंह भी मौजूद रहे। इस दौरान पीएम मोदी ने लोकसभा चुनाव के दौरान सब कुछ छोड़कर लगातार 3 महीने तक बिना किसी छुट्टी काम करने वाले सभी लोगों को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि पार्टी संगठन से बढ़कर कुछ भी नहीं है, पार्टी के लिए कार्य करने वाले कार्यकर्ता इसके केंद्र में हैं। इस दौरान उन्होंने अपने पुराने दिनों को भी याद किया और खास तौर से उन पुराने कर्मचारियों के साथ बातचीत की जो उनके साथ केंद्रीय कार्यालय में रहने के दौरान काम कर चुके हैं। अपने दूसरे कार्यकाल के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पार्टी कार्यालय के कर्मचारियों के साथ संवाद किया था। उस समय उन्होंने केंद्रीय कार्यालय के कर्मचारियों को अपने आधिकारिक आवास 7 लोक कल्याण मार्ग पर आमंत्रित किया था। Z News.